हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज देहाती लड़के देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब सच में मजा है इस सीरीज को देखने के बाद, क्योंकि इस सीरीज में जो पॉइंट्स को टच किया गया ना, वो सच में काफी हिट करते हैं। स्पेशली अगर आप उस एज में हो जो कॉलेज में है, या कॉलेज के बाहर निकले हैं जस्ट अभी अभी, या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई के आसपास हो एज में, तो आप इस शो से काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। अगर मैं कहानी की बात करूँ, तो कहानी है रजत नाम की एक लड़की की, जो कि एक छोटे शहर से लखनऊ आया है पढ़ाई करने। उसकी माँ ने कुछ कस्में दी होती हैं, उसके पापा के कुछ सपने होते हैं, उसके खुद के कुछ सपने होते हैं। वो कुछ प्लान्स लेकर आता है, लेकिन आकर सब तहस नहस हो जाते हैं। वो शहर के चकाचौंध में गुम हो जाता है, घर जाने के बारे में सोचना छोड़ देता है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जिसपे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ, तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, कैरेक्टर्स के से हमें मिला जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, किस तरह से ये अपनी लाइफ प्लान करी है इन लोगों ने, किस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही है, आसपास का माहौल क्या है, कॉलेज का माहौल क्या है, किस तरह से लोग मिले हैं, किस तरह के लोग इन लोगों को, वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मजा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं, हम बोर कहीं भी नहीं होते, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करें। लेकिन इन सबका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली इस सीरीज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन स्पेशली अगर आप साइकोलॉजिकल चीज़ों की बात करो, या फिर जिस सोच के साथ उन चीज़ों को लिखा गया, उन चीज़ों पर तो काफ़ी सारा बात की जा सकती है। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस सीरीज को देखोगे, तो आप खुद अपने व्यूज रखना, क्योंकि कुछ चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं। अगर मैं कुछ चीजों की प्रॉब्लम्स की बात करूँ ना, हो सकता है वो मुझे प्रॉब्लम लगे, हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम ना लगे, हो सकता है वो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, हो सकता है मुझे ना लगे। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हैं। इसी कारण से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद देखें, और जो भी आपके ओपिनियंस हैं, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। बात करो एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्टर ने जिस तरह से इस पूरी सीरीज को बनाया वो अच्छा है। डेफिनेटली कुछ चीज़ों पे काम किया जा सकता था, और बेहतर हो सकता था डायरेक्शन। जो पूरा माहौल क्रिएट किया है, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था। जो एडिटिंग है, वो मुझे पसंद आई है, एडिटर ने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज पसंद आई है, मैंने इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा है। प्रॉब्लम्स हैं सीरीज में, डेफिनेटली मैंने उन चीज़ों पर बात नहीं करी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस पे एक ओपन डिस्कशन हो। कुछ चीजों पे हो सकता है आपको लगे कि जो माँ का कैरेक्टर है वो ज़्यादा ही, या जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है वो अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, हो सकता है अब जो बेटा है वो अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लगे जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो जो चीज़ें, जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उन पर हम ओपन डिस्कस कर सकते हैं। इसी कारण से ये कॉमेंट सेक्शन खुला है, हम बात करते हैं उन चीज़ों पर। बाकी उन चीज़ों पर मैंने इस वीडियो में इसलिए बात नहीं करी, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं। बाकी अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली हो, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और नहीं देखी तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।